क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के YouTube चैनल से मैं हूँ आपका अपना दोस्त नदीम असगर जी। नसीम भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है जी। सेठ वकार साहब और उस्ताद नवीद जाट साहब, ये क्या बात है, आप दोनों के लिए निकली थी, इकट्ठा मैसेज आया दोनों का। जी नवीद भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है। और सेठ वकार साहब, आप दोनों ने इकट्ठा मैसेज किया। जी मोहम्मद राशिद साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? सब खैर खैरियत है, उम्मीद कर तो सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों घर से हूँ आज लाइव, ये मेरी बेटी बिट्टो, अंकल से शाम लो, अंकल से शाम लो। बिट्टो चलो माशाल्लाह जी। हाँ जी अंकल, इधर आ जाओ, मैं पास आ जाओ, अंकल से बात करो। अच्छे अंकल से बात करो, अंकल जी को बोलो अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैर खैरियत है माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, आज लाइव आने का मकसद ये था कि मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो दोस्तों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैंने ना कुछ दिन पहले एक जोड़ा लगाया, कुछ लोगों को ना मेरी पोस्ट लगाने पर भी इतराज़ होता है, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, मैंने उनका सारा डाटा निकलवाया भी था। तो आज शौक करवाने लगूँ सुफियान मलिक साहब वाले कबूतरों का। ये दोस्तों मैं क्लियर कट बता दूँ, सुफियान मलिक साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, ये उनके कबूतर आए हैं। उन्होंने अपनी मसरूफियात की वजह से, शुक्रिया सेठ साहब, उन्होंने अपनी मसरूफियात की वजह से कबूतर जो है ना वो मुझे दे दिए थे जी। माशाल्लाह शुक्रिया, शुक्रिया मलिक साहब। रशीद जारा साहब क्या हाल है? तो मुझे किस लिए दिए थे कि मैं सेल करूँ? मानू भी यानी आज मानू आज, तो मुझे उन्होंने कबूतर किस लिए दिए थे? ताकि मैं सेल कर दूं। शुक्रिया शुक्रिया मलिक साहब। तो ये जो आज हीरालाल कबूतरों का आपको शौक करवाने लगूं, ये सुफियान मलिक साहब वाले हैं, जिस दोस्त उसको चाहिए पड़े मेरे पास हुए हैं सारे। और अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे मलिक साहब को। उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी जड़ा वाले में, जिस वजह से वो ज़्यादातर वहीं रहते हैं, तो जिस वजह से उनके पास जो कबूतर थे उन्होंने मुझे दे दिए। तो वो सारे कबूतर मैं ले आया, तो अब वो सेल के लिए हैं। जो दोस्त लेना चाहे, पोस्ट पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वो रब्ता कर सकता है। ये सुफियान मलिक साहब वाले कबूतर होंगे कन्फर्म, उसमें मैं अपने कबूतर ना तो कोई डालता हूँ और ना ही जो है ना वो उसमें डालूँगा। जो रियलिटी होगी वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उनके जो हीरालाल कबूतर हैं आज, उनका आपको शौक करवाने लगो। जी शुक्रिया शुक्रिया इरफान भाई, उनका आज आपको शौक करवाऊँगा। और ये सेल के लिए हैं, जो कबूतर मैं मतलब उन्होंने मुझे दिए थे वो एज इट इज़ ही होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही। एज इट इज़ जो हीरालाल कबूतर है उनका आपको शौक करवाऊँगा, जो उनकी तरफ से आए हुए थे। ये मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये मेरे नहीं हैं कबूतर, ये मलिक शाह वाले कबूतर हैं। और जो हैं जैसे होंगे वो इंशाल्लाह बफजले ताला वैसे ही आप लोगों को शौक भी करवाऊंगा। जो दोस्त इंटरेस्टेड हो वो मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। तो कबूतर मेरे पास पड़े हुए, अगर आप लोग मलिक साहब से भी बात करना चाहें तो उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ना एक पोस्ट लगाई थी एक हीरा लाल जोड़े की, तो माशाल्लाह जारी बात है, जो हम ठहरे मीडिया पर्सन सीधे साधे लोग, तो कुछ लोगों को ना बहुत तकलीफ़ होती है, वो मुझे पता है। मैंने उनका सारा जैचा निकलवा लिया था, सारा क्लियर कट लगवा लिया था, और उनका जैचा कहाँ से चला, कौन ये काम करवाता, तो ये मेरे इलम है। तो इसलिए मैं मतलब इलम में इसलिए है कि पता मैंने उनका लगवा लिया, और उन्हें जो वो अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया, ठीक है। तो काइंडली दोस्तों आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको कोई नई चीज़ दूँ, बरमला नई चीज़ दूँ। ये आप लोग भी जानते हैं, मेरे सुनने वाले भी जानते हैं, मुझे देखने वाले भी जानते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि मेरी कोशिश, जब से मैंने ये चैनल बनाया तब से लेके आज तक, यही कोशिश की है कि आपको हर जब भी मैं लाइव बैठूँ, किसी दोस्त के साथ लाइव आऊँ, तो आपको ऐसी चीज़ें दूँ जिनका आप लोगों को पता ही नहीं है।
अब मैं एक इसके पीछे जो इतनी बातें करता हूँ उसके पीछे दोस्तों इसके पीछे आप लोगों को पता ही है, मैं जानते ही हैं। उस दिन बाबा जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि 30-32 साल का एक्सपीरियंस है जो उस्तादों के साथ वक़्त गुजरा, 22 साल तो हो गया तकरीबन शागिर्द हुए। तो ये कोशिश यही होती है कि दोस्तों को हमेशा वही चीज़ बताई जाए जिसका उन्हें फ़ायदा हो। अब सिंपल सी बात है, मैं फेसबुक पर आपके साथ लाइव आ रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये बताएं ज़रा मुझे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, मेरा शौक़ था, मैं अपनी नौकरी की वजह से कुछ मसरूफ़ रहा, शौक़ पूरा ना कर सका, तो शौक़ की तकमील की खातर जो है ना वो मैंने ये चैनल बनाया था। और इंशाल्लाह ये जब तक अब ज़िंदगी है ये चैनल चलता रहना है, आप लोगों की मोहब्बत ऐसे ही रहनी है, तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। तो काइंडली आपसे स्पेशल आज मैं रिक्वेस्ट करने के लिए भी साथ ये किया था कि काइंडली दोस्तों ज़रा कोशिश किया करें नेगेटिव कमेंट्स करने से गुरेज करें, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है तो मुझे फ़र्क को नहीं पड़ता, ये बात पक्की है। ठीक है, ठीक है, जो लोग जैलस होते हैं उनके जैलस होने से, या जो लोग मुनाफिक हैं मुनाफिकीन हैं उनकी बातों से अल्लाह ने मेरे रिजक में इजाफा करना है, कमी नहीं आना। क्या है अंकल, से बात करने दो, मानो अब आप काम नहीं करने दो जी। शुक्रिया फरहान, मानो पहले छोटे उस्ताद थे, आज अब मेरी मानो जो है ना वो तंग कर रही, पहले भैया तंग करता है, अब मानो तंग कर रही। तो ये चंद एक गुजारिशात थी दोस्तों। दोस्तों मुझे पता है मुझे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो इज्जत तकरीम होती है वो मेरे मालिक के हाथ में होता। कोशिश किया करें, देखिए चंद एक लोग हैं हम ख़ास तौर पर जो मीडिया पर्सन हैं, ठीक है, उनमें से चलो उनमें से कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आता है, खाकसार का नाम भी दोस्त लेते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने किसी को मिसगाइड किया कबूतर परवरी के मुतालिक, कबूतरबाजी के मुतालिक। और जितना माशाल्लाह इंटरव्यूज़ मेरे होते हैं, उन इंटरव्यूज़ में आप लोगों को पता होता है मेरी कोशिश यही होती है, मैं जैनवन साफ़ी हूँ बेसिकली, पेशा भी साफ़त है, जो कबूतरबाजी की साफ़त के अलावा भी मेरा पेशा साफ़त है, तो मैं इन चीज़ों को फेस करना अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये पैगाम उनके लिए था जो दोस्त जाना वो मुखालफत करें दोस्तों, तनकीद भी करें, तनकीद तामीरी होनी चाहिए, इतनी तनकीद ना करें कि अगला जो ना वो आपको गलम गलोच पे उतर आए, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। तो दोस्तों मैं फिर बताने लगूँ, आज का जो सेगमेंट है उसका मकसद सिर्फ यही था कि मैं सुफियान मलिक साहब वाले कुछ पेयर्स आए हुए हैं, 30 पेयर्स थे, तो उनमें हीरा लाल कबूतर पड़े हुए हैं, जो दोस्त इंटरेस्टेड हो वो रब्ता कर ले, सुफियान मलिक साहब से डील करना चाहें तो उनके साथ कर लीजिएगा, वो अपनी मसरूफियात की वजह से दोस्तों ज़रा लाहौर से बाहर होते हैं और कबूतर पीछे से संभालने वाला कोई नहीं था, तो जिस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चले हम हाजिर हैं जी, जहाँ पे इतने कबूतर हैं थोड़े से और आ जाएंगे तो कौन सा इशू होगा। और ये तकरीबन महीना डेढ़ हो गया, बस कुछ अपनी मसरूफियात, मतलब खुद थोड़ा सा बिजी था, कुछ नौकरी का सिलसिला को दूसरे सिलसिले होते हैं, तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलें आधा घंटा आप दोस्तों से गपशप भी लगाते हैं, कुछ शिकवे शिकायतें भी थी जो दोस्त जो है ना वो कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। अगर किसी को इतराज़ है मुझे तो मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ, मुझे मेरे साथ लाइव बैठे, मेरी कबूतर परवरी में करीब कबूतरबाजी के मतलब कोई सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ, हर सवाल के मतलब लाजवाब करूँगा बफजले खुदा। फिर बता रहा हूँ, कबूतरबाजी कबूतर परवरी के मतलब कोई सवाल है तनकीद करें मुझ पर, इंशाल्लाह 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 लाजवाब करूँगा। कोई भी चीज़ हरफे आखर नहीं होती, लेकिन जो कबूतरबाजी के मुतालिक जो बात होगी उसका हर जवाब मिलेगा, मेरे पे तनकीद करें लाजमी करें लेकिन तामीरी करें। ठीक है, जब जो ख़ास तौर पे मेरे नाकदीन है जब दिल करें उनका,
जब दिल करे उनका। जी मोहम्मद रशीद साहब, वालेकुम सलाम। अमजद लाशारी साहब, क्या हाल है? अच्छा जी हंजरा साहब, आवाज़ ठीक हो जाती है। तो जब आपका दिल करे, जिसका दिल करे। जी जी काशो भाई, मैंने नंबर आपको दिया हुआ है पोस्ट पे, तो वैसे इसकी जो कट्ठे लेंगे ये 10-15 पीस हैं, ये 5,000 रुपये पर के हिसाब से होंगे। जो दोस्त भी अगर कट्ठे लेना चाहता है तो ये 10 से 15 पीस बन जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, जितने होंगे वो मैं सबका शौक करवाऊँगा। 5,000 रुपये पर के हिसाब से होंगे। चाहे वो मेरे साथ डील कर लीजिएगा, डायरेक्ट सुफियान मलिक साहब से कर लीजिएगा। जानवन कबूतर होंगे, इनके कबूतर मैंने देखे, ये कबूतरों के रिजल्ट भी मैंने देखे हुए। इनकी ज़िम्मेदारी लेने की एक बड़ी वजह भी दोस्तों यही थी कि मैंने इन कबूतरों के रिजल्ट भी देखे हुए। मैं उस छत का अब नाम नहीं लेना चाहता। लाहौर में इस दफ़ा भी 7-7 बजे तक ये कबूतर, यही कबूतर इनके पटियाँ पटे बैठे हुए। कुछ मरवत है मेरी, इस सिलसिले में बात हुई थी तो मुझे कुछ दोस्तों ने जो है ना वो कहा था कि यार इस तरह नहीं करना, तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। तो इस तरह जो है ना वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो अभी कुछ दोस्तों साथ साथ गपशप भी लगाते हैं और साथ साथ शौक भी करवाते हैं, साथ साथ आपको शौक भी करवाता हूँ। आज खुद ही कैमरा भी स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों पहले पट्ठे का ज़रा शौक करें। और सब दोस्त सुनाएं, काशिफ अली गुजर साहब, नसीम भाई। नसीम भाई मुझे ना आपका मैसेज मिल गया था, मैं इंशाल्लाह जो ही मेरा फैसलाबाद चक्कर लगता है तो मैंने आना है आपकी तरफ। नसीम भाई मुझे आपका मैसेज मिल गया था, बस जवाब नहीं दे सका। ये दोस्तों हीरा लाल कबूतर है, सुफियान साहब वाला है, खान दिलावर खान साहब के घर से आए हुए कबूतर हैं ये उनके। और ये उनसे डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं अगर करना चाहे। ये माशाल्लाह शौक करें इनका, ये देखिएगा ज़रा जूम इन करके दिखाता हूँ, बड़े अच्छे माशाल्लाह कबूतर हैं। ये दोस्तों साथ साथ दिखाता हूँ, जो भी कबूतर हैं जिस हालत में भी होंगे दोस्तों वो आपके सामने होंगे। ये माशाल्लाह देखिए, ये आइज है, ये दोस्तों 5 कलरों में निकलते हैं ये कबूतर हीरा लाल। जिन जिनको पता है इनका वो जानते होंगे माशाल्लाह। ये दोस्तों शौक करें, आँख देखिए, ये दोस्तों इनके पार है, बड़े शानदार पार है। ये देखिए बिलाल भाई, हीरा लाल 5 कलरों में निकलते हैं। और ये इस चीज़ का अगर कहेंगे तो क्लियर भी कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट दिलावर खान साहब के घर के कबूतर हैं जो सुफियान मलिक साहब लेके आए थे। आप लोगों ने एक कलर देखा होगा, ये 5 कलरों में निकल रहे हैं। ये माशाल्लाह आप परपुरजा देख लें, ये अच्छे कबूतर को ही होता है। और अच्छा कबूतर जो ब्लड वाइज जिसकी मतलब पीछे से सिलसिला अच्छा हो, वही सारा कुछ होता है माशाल्लाह। ये शौक करें। और ये पंजे देखिए माशाल्लाह इन कबूतरों, अभी दिखाता हूँ बिलाल राजपूत भाई, मेरे सारे कबूतर ये देखिएगा मलिक साहब वाले, तो ज़रा देखिएगा फिर बात करते हैं।
ठीक है। और ये दोस्तों, अब ये जो बिलाल राजपूत साहब, जो आपने कलर देखा होगा वो ये होगा, ये देख ले, ये भी आठ आठ पर की पट्टी है, ये पट्टी है, ये कलर है, ये कलर भी निकलता है, गहरे भी निकलते हैं, हल्की सी छाप भी लाते हैं। ये देखिए, ये मादा है। ये माशाल्लाह शो करें, ये मादा। बिलाल भाई, आप इस आंख की बात कर रहे होंगे जो प्याजी आंख में निकलते थे कबूतर, में ये भी निकलते हैं। ये माशाल्लाह पर देखिएगा इनका, ये अब आठ आठ पर की पट्टी है। अब ये देखिएगा, जरा ज़ूम इन करके आप दिखाओ, हाँ जी दोस्त, ये भी पट्टा है। ये दोस्तों, इसका जरा जूम आउट कर लो, ये इसका कलर है माशाल्लाह। ये पल्ला देखिए, माशाल्लाह पर देखें, बगल देखें इनकी, ये जरा दूसरा पल्ला भी देख, ये दो में ये पंजे, ये थोड़ा भी देखिएगा। ये माशाल्लाह
ये भी हीरा लाल है, एक और बड़ा अच्छा परिंदा है माशाल्लाह। ये देखिए, ये फुलवे देखिए, एक पर्क देखिए सीम भाई, आप बताइएगा वीडियो क्लियर है। अभी ये इसके पहले दोस्तों इधर जरा कबूतर ज्यादा हो गए थे तो बाज का थोड़े से पर खराब हुए हैं। अच्छा थैंक यू जी। ये देखें, ये भी माशाल्लाह हीरा लाल मादी है, ये कबूतर ने जरा ठंगूरे पड़ी हुई है तो माशाल्लाह देखें, ये इसका कलर। और दोस्तों वीडियो को ज़रा काइंडली शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। माशाल्लाह नूर देखे इस मादी के, ये दोस्तों माशाल्लाह पर देखे इन कबूतरों का, क्योंकि आम कबूतरों से पारी मुख्तलिफ है। ये माशाल्लाह जी पर देखिए दुम है, ये पंजे है। ये दोस्तों माशाल्लाह ये देखें, ये कलर है, ये इनका चौथा कलर है, यानी कि पांच कलर निकालते हैं, चार मैंने आपको दिखा दिए, एक कलर और दिखाओ। ये माशाल्लाह देखें
से शानदार कबूतर है। बहुत मजबूत हड्डी जोड़ों के कबूतर है। माशाल्लाह ये देखे फुल व्यू इनका, ये पल्ले देखे बस, देखिएगा हर कबूतर का जो पल्ला है माशाल्लाह कैसा शानदार आ रहा है। माशाल्लाह कैसा शानदार पारा, माशाल्लाह जी एक दो कबूतरों का और शौक करवाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों ये कलर माशाल्लाह, ये परिंदा भी बड़ा अलग, बहुत अलग परिंदा। ये माशाल्लाह पल्ला देखिए इनका क्या शानदार पारा दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही आला पल्ला। ये पंजे देखिए ये माशाल्लाह देखिएगा जी, ये पांचवा कलर है हीरा लाल कबूतरों का जो आता है, ये माशाल्लाह देखिए ये माशाल्लाह, ये कलर है जो दोस्त कहते हैं ये इस तरह को वो उस तरह, ये कलर है ओरिजिनल जिनको लोग कहते हैं, और पांच कलरों में ये हीरा लाल आते हैं। ये पल्ला देखें माशाल्लाह
एक कबूतर अभी पर निकाल रहा है माशाल्लाह जी। ये दुम और ये पंजे, ये दोस्तों पांचवा कलर है। मैंने कलर सारे दिखा दिए। जो दोस्त दोस्तों रابطہ करना चाहे पोस्ट पर मेरा अच्छा दोस्तों पोस्ट पे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर कोई दोस्त रابطہ करना चाहे तो वो रابطہ कर सकता है। मैं नंबर फिर भी बोल दे तो फिर एक बात क्लियर कर दूं, ये सुफियान मलिक साहब वाले कबूतर हैं, सुफियान मलिक साहब वाले कबूतर हैं हीरा लाल। और नंबर है जी 03076887967। फिर रिपीट कर देता हूँ 03076887967। और जो मुल्क से बाहर से कॉल करेंगे वो 00923076887967।